तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए. सिद्धार्थ देसाई पहली ही रेड पर निकल चुके हैं. तेलुगु टाइटंस को न सिर्फ प्रो कबड्डी सीजन 7 में पहली जीत की तलाश है बल्कि गुजरात फॉर्चून जायंट्स के ऊपर भी पहली जीत की तलाश है. क्या आज कोई जीत उन्हें नसीब होगी? दो कोशिश की, दूसरी में कामयाब. मैच की अंपायर आरती बारी हैं जो मुंबई से हैं. सिद्धार्थ देसाई आज जिस तरह से डिफेंस का पार्ट नहीं थे, लग रहा था वही रेड करेंगे, पर उनके बड़े भाई सूरज देसाई सिर्फ राइट से रेड कर रहे हैं, सूरज लेफ्ट से. तो ये जोड़ी कमाल की है. बिल्कुल जोड़ी कमाल की है, बशर्ते कि ये जोड़ी चले. और ये देखिए सीधे सुनील को बाहर किया, उन्होंने सलाह दी थी बोनस करेगा. उन्हें इंतजार था कि शायद बोनस हो, लेकिन बोनस नहीं, हैंड टच आ गया. तीनों खिलाड़ी डिफेंडर हैं, प्रवेश, सुमित और जीबी मोरे. तीनों को डिफेंस करना आता है. जीबी मोरे अटेम्प्ट हुए, गलती की. मनप्रीत निराश है, हताश है. तो क्या पहली बार तेलुगु टाइटंस इस सीजन में कोई मुकाबला जीतेगी? गुजरात फॉर्चून जायंट्स ऑल आउट. विशाल भारद्वाज जबरदस्त ब्लॉक. आखिरकार अबोजार फॉर्म में आए. अब तक सिर्फ दो टैकल पॉइंट है गुजरात के पास, शायद इस सीजन में ये सबसे कम पॉइंट्स हों पहले हाफ के अंदर डिफेंस में गुजरात के. और जब तक आप डिफेंस में बेहतर नहीं करेंगे, आपका मुकाबला जीतना आसान नहीं है. गुजरात फॉर्चून जायंट्स अपने होम लेग में लगातार दूसरे मुकाबले के अंदर पिछड़ रहे हैं. और ये देखिए पूरा घेरे के अंदर लिया और विशाल ने, ये प्रेशर बताता है हुटर की आवाज से तो रेडर को पता चल ही जाता है कि डू इट आई है. और ये देखिए छलांग लगाने की कोशिश की थी विशाल भारद्वाज के ऊपर से. यहां पांच का डिफेंस, देसी फुटवर्क, सूरज का नीचे से निकलने की कोशिश, लेकिन अब डिफेंस सुरताल में दिखाई दे रहा है. अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं रोहित, काफी अंदर गए, उसके बाद भी अबोजार का साहस नहीं हुआ उन्हें टैकल करने का. कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है अबोजार. बिल्कुल सही आपने कहा संजय, अबोजार अभी भी देखिए बचा रहे हैं. अब विशाल आए तो अबोजार को हौसला मिला. पांच के डिफेंस में सचिन कवर, विशाल कंट्रोल कर रहे हैं पूरी डिफेंस को. ये डिफेंस भाएगा और ये गलती, अमित की गलती पूरी तरह से. कुल मिलाकर 15 रेड पॉइंट, 7 टैकल पॉइंट गुजरात फॉर्चून जायंट्स के पॉइंट्स का वही खाता है. देखिए किस तरह से डिफेंस ने घेरेबंदी की और फिर कामयाबी हासिल की. ये अनहोनी है. बिल्कुल गुजरात फॉर्चून जायंट्स वही टीम है जिसने अपने सिर्फ दो सीजन में दो फाइनल खेले हैं, दो बार रनर्स अप रहे हैं, लेकिन इस सीजन में लगातार 4 मैचेस हारे हैं. तेलुगु टाइटंस को पहली जीत मिल गई है सीजन 7 की. हालांकि उनकी जो पोजीशन थी पॉइंट्स टेबल में वो 12वें नंबर पर थे, अब भी 12वें नंबर पर ही रहेंगे.